काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर के अंतर्गत सामान्य यानी सिंपल यूनिट्स बनाना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में जाना था और आज हम बताने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें माल यानी गुड्स के क्रय और विक्रय का काम किया जाता है। इस क्रय विक्रय के लिए हमें उस माल को नापना, तोलना या गिनना होता है और इस तरह के काम के लिए जिन इकाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें यूनिट्स ऑफ मेजर कहते हैं। जैसे कि शक्कर तोलने के लिए किलोग्राम, दूध नापने के लिए लीटर, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है। अब सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इकाई होगी? तो उसके लिए हम नंबर्स का उपयोग करेंगे। नंबर्स की तरह ही मान लीजिए हमारा कोई आइटम पीस में होता है तो हमारी इकाई पीसेस हो जाती है। यहाँ हम आपको क्वांटिटी कोड्स की एक लिस्ट दिखा रहे हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ भी दे रहे हैं। इसकी सहायता से आप अपने व्यापार की जरूरत के हिसाब से अपनी इकाइयों का यानी यूनिट्स का निर्णय कर सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इसके पहले हम मास्टर हेडिंग के अंतर्गत आने वाले दूसरे ऑप्शन इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक ग्रुप्स बनाना सीख चुके हैं। इसके बाद ऑप्शन है स्टॉक आइटम्स का, जिस पर हम अगली वीडियो में काम करेंगे। अभी हम यूनिट ऑफ मेजर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यू प्रेस करेंगे और फिर यूनिट बनाने अर्थात क्रिएट करने के लिए सी प्रेस करेंगे। देखिए यूनिट क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ दो तरह की यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। इन दोनों के अलावा अल्टरनेट यूनिट का भी उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम सिंपल यानी सामान्य यूनिट पर काम कर रहे हैं। कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के बारे में हम इंटरमीडिएट लेवल में बताएंगे। यहाँ टाइप में सिंपल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे सिंबल लिखा हुआ है। सिंबल के सामने जो यूनिट बनाना हो उसका शॉर्ट फॉर्म टाइप करना होता है। हम नंबर्स के लिए यूनिट बनाना चाह रहे हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म NOS यहाँ टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ फॉर्मल नेम के आगे जो यूनिट बनाई जा रही है उसका पूरा नाम टाइप करना होगा। हम यहाँ नंबर्स टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा कर्सर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे आ गया है जहां जीरो लिखा है। आइए इसको समझ लेते हैं। कभी कभी हमें व्यापार में वस्तुओं को इस प्रकार भी तोलना या मापना होता है, जैसे 1 किलो 250 ग्राम शक्कर या 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा इत्यादि। अब मान लीजिए हम किलोग्राम की यूनिट बना रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे 3 लिखना होगा और यदि मीटर की यूनिट बना रहे हैं तो 2 लिखना होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहे हैं जो कि अपने आप में पूरी वस्तु होती है, जिसे हम 1, 2, 3 या किसी भी पूरे अंक में ही गिन सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 TV देना, ये तो पूर्णांक ही रहेगा। यानी हमें नंबर्स के आगे दशमलव में कोई संख्या नहीं चाहिए, इसलिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे 0 ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यदि आपको कोई और यूनिट बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि यूनिट्स ऑफ मेजर के अन्य ऑप्शन डिस्प्ले और ऑल्टर का उपयोग आप इसके पहले वाली वीडियो में बताए अनुसार ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में बताया। अगली वीडियोस में हम आपको स्टॉक आइटम्स,
जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी हैं, उसके सभी ऑप्शंस जैसे क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर आदि को समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यदि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं।